हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोगों को आजकल व्लॉग्स देखने में मजा आ रहा होगा। मुझे व्लॉग्स बनाने में बहुत मजा आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक टेकिंग अ फ्रेंड अलोंग विद माय लाइफ, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। आज मैं मंदिर के कमरे में बैठ के व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज लाइक आर पूजा स्लैश स्टडी रूम। ये वाला एरिया इज द मंदिर वाला एरिया, एंड देन दिस इज द स्टडी वाला एरिया। ऑल्दो दिस इज माई ब्रदर्स स्टडी, लाइक नॉट हिज बट ही यूजेज इट मोस्टली। मैं बेड पे बैठ के काम करती हूँ, यू हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, बट टूडे जस्ट फॉर अ चेंज आई वॉन्टेड just a change of scenery to get my mind on track, and wo gaya hua college, so this was the perfect time for me to take over his area, and it feels nice sitting at a different spot than where I usually am. And kyunki mujhe aaj mera main goal hai to declutter my room, like I need to क्लीन एंड डीप क्लीन माई रूम, मतलब दिवाली वाली सफाई कर दूंगी आज तो मैं। अदर देन दैट मुझे अपने विंटर वाले क्लोथ्स हटा के समर वाले क्लोथ्स लगाने हैं, सो आई विल डू दैट एंड आई विल प्रोबेबली मेक लाइक अ डीक्लटरिंग वीडियो सेपरेटली, एंड आई विल ऑल्सो डू अ गिव अवे इन दैट। दैट इज द प्लान फॉर टूडे। उससे पहले मुझे थोड़ी सी वीडियोज एडिट करनी है, क्योंकि डीक्लटरिंग में मम्मी मेरी हेल्प करेगी, तो मम्मी अभी अपना काम कर रही है, तो मैंने सोचा उतनी देर में मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, सो दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। बट या आई स्टार्टेड this vlog because oh my god, life is so messed up and unpredictable, like I cannot even tell you guys that hum log kitni sari cheezon ko we just take for granted, and when the things start changing that is when we realize ki nahi yaar itni choti cheez thi nahi, matlab I was just having like a set pattern or set routine, and then yesterday everything changed. And how? Like 2020 में ऐसा मेरे last time हुआ था, when everything just changed, my life changed and I changed as a person. 2020 was that turning point in my life. But now again ये वाला point आया where things, the major changes that can happen in my life right now, सारे के सारे एक ही साथ हो रहे हैं। Life is like, girl, let's see how much you can endure. And I'm like, okay, but I wasn't ready for that. और वॉज आई लाइक मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, बट आई डिड नॉट नो कि इतनी सारी चीज़ें एक ही साथ हो जाएंगी। सो आई एम जस्ट वेरी वेरी मेस्ड अप, एंड आई एम नॉट गिविंग यू गाइज एनी हिंट्स राइट नाउ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो, तो उसको हम बाद में करेंगे। आज के लिए आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट द व्लॉग अ फ्रेश स्टार्ट, लेट्स जस्ट कॉल इट दैट। But yeah, I'm just very very confused. Yesterday when things happened, my mom was like, बेटा तू पागल होने वाली है क्या, because you are a person जो कि इतनी इतनी सी चीज़ों पर रो जाती है, like seriously, like if my, even today if my mom distributes some food item and my brother has more than me, I will start crying. I'm that girl. And then yesterday and day before that the things that have happened over the past 3 to 4 days, I haven't cried yet, and that is concerning. It is, but I don't feel like crying. Like, it is not like I am suppressing my emotions or something, I just don't feel like crying. I feel like theek hai, I will get through it, and that just makes me really proud that I have come along a long way. Like me jo ki bilkul ekdam clueless, ekdam hopeless ho gayi thi ek point pe life mein, now when things are even worse, I am still ऑप्टिमिस्टिक दैट ठीक है हो जाएगा क्या हुआ। सो दैट इज वेयर आई एम एट, बट दैट डजंट मीन कि मेरी फट नहीं रही है, लिटरली आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड, बट ठीक है देखा जाएगा कि कैसे होगा क्या होगा। बट या इट्स जस्ट न्यू स्टार्ट टू लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू टेक इट पॉजिटिवली एंड टेक वन डे एट अ टाइम, दैट इज माई स्ट्रैटेजी। तो देखते हैं क्या होता है। आज का प्लान ये है कि आई नीड टू क्लीन, डीप क्लीन, डी क्लटर माई रूम, एंड देन स्टार्ट प्लानिंग फॉर अप्रैल का कॉन्टेंट। लाइक आई हैव प्लान द कॉन्टेंट, स्टार्ट शूटिंग फॉर इट। सो येस या लेट्स सी कि कैसा चलता है। इट अप्रैल विल बी एन एक्सपेरिमेंटल मंथ फॉर मी, एंड आई होप इट गोज वेल। आई वॉन्ट यू गाइज सपोर्ट, आई रियली रियली वॉन्ट इट राइट नाउ। एंड या मुझे कॉमेंट्स में बताते रहो कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, उसके हिसाब से ही हम कॉन्टेंट बनाएंगे, एंड आपको भी हेल्प मिलेगी। एंड आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सो लेट्स डू दैट। अभी मैं बैठी हूँ एडिटिंग करने, आई विल क्विकली फिनिश माई एडिट एंड देन आई विल मूव ऑन टू माई डी क्लटरिंग। सो दिस इज द टू डू लिस्ट फॉर टूडे। होली के बाद से मेरा जो स्केड्यूल है मॉर्निंग वाला वो एकदम मैसअप हो चुका है। आई हैव नॉट बीन वेकिंग अप एट 4 or 5 इन द मॉर्निंग, बट वो होली की वजह से मैसअप हो गया था। अभी थोड़े दिन लगेंगे उसको ठीक होने में, बिकॉज माई बॉडी इज स्टिल
टायर्ड होली में हमने इतने मजे किए. आई व्लॉग्ड होली तो आप उसको भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा मजा आया था. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. मे बी मैं आपको व्लॉग में ज्यादा आज ना दिखूं बिकॉज आज मैं डीक्लटरिंग वाला व्लॉग अलग से बनाने वाली हूँ. सो यू गाइज कैन वॉच दैट एंड कम बैक अगेन. मम्मी लंच बना रही हैं तो लंच के बाद तो मुझे डीक्लटर स्टार्ट करना पड़ेगा. तो एनीवेज वुड नॉट बी एबल टू एडिट द एंटायर व्लॉग अभी, तो उसको मैं शाम के लिए रखूँगी. यही वैसे भी इनिशियल प्लान था. तो बिफोर आई स्टार्ट डीक्लटरिंग आई हैव टू शूट द टू रील्स जो मैंने आप लोगों को बताया था. एंड आई एम शेयरिंग सम अमेजिंग मीशो फाइंड्स. लाइक आई वॉर अ लॉर ऑफ इयर रिंग्स, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू ऑल. यूट्यूब के लिए मैं एक फुल फॉर्म वीडियो भी बना दूंगी और शॉर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. बट दे आर जस्ट अमेजिंग. तो अभी मैं वही सेटअप करने लगी हूँ. दिस इज द सेट, इसके ऊपर ही मैं अपना शूट करूँगी. एंड देन दीज आर द टू पीसेज जिनको मैं आज शूट कर रही हूँ. एंड उसके बाद मैं लंच करके आई स्टार्ट दी क्लटरिंग. मैं क्या करूँगी उठ के? सफाई करो. अच्छा तू सो जाएगी? नहीं मैं नहीं सो रही. आप अलमारी के कपड़े बाहर निकालो, सर्दी वाले. मैं? हाँ आप सर्दी वाले कपड़े बाहर निकालो, मैं गर्मी वाले निकालती हूँ. फिर उसमें से छाटेंगे कि कौन से मुझे नहीं चाहिए. और फिर सर्दी वाले मैं यहाँ रखूंगी, आप गर्मी वाले वहाँ रखो. तू वहाँ रख ले, मैं यहाँ रखूंगी बैठ के. हाँ हाँ चलो वो कर लेंगे, पहले निकालो. तो तू निकाल पहले उनको. अरे आप निकालो सर्दी वाले, मैं निकालूंगी गर्मी वाले. चलो उठो 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 उठ लो. मम्मी उठो, आप तो मेरी मैनेजर हो ना, उठो उठो. किसने बोला मैं तेरी मैनेजर? उसी दिन कह रही थी मैं तेरी मैनेजर हूँ, मैंने तुझे हायर कर लिया है. चलो उठो. Many hours later. So the decluttering session for today is done. I do not have any more energy left. And इसीलिए अभी आई हैव चेंज्ड एंड आई एम गोइंग आउट टू मीट अ फ्रेंड यहीं पास में मॉल में ही. ओ माई गॉड द डी क्लटरिंग सेशन वॉज नॉट ईजी एट ऑल. मैं सोच के तो ये बैठी थी कि सफाई करके ऐसा माइंड थोड़ा फ्रेश सा हो जाएगा एंड देन यू नो आई विल शूट कॉन्टेंट एकदम सफाई से जगह पे डी क्लटर्ड एरिया में. बट दैट इज़ नॉट वॉट हैपेंड. माई क्लोथ्स डिडंट फिट मी, लाइक इंडियन वेयर मुझे कुछ भी फिट नहीं आ रहा था. तो ये सब बाकी तो आप डीक्लटरिंग व्लॉग में ही देखना. ओ माई गॉड आई वॉज सो अपसेट एंड आई हैव क्राइड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टूडे. इट इज़ जस्ट गेटिंग डिफिकल्ट थोड़ा सा अभी. बट या आई एम जस्ट गोना गो अभी थोड़ी देर बाहर एंड या आई एम जस्ट गोना लाइटन अप. हाई गाइस दिस इज़ द 29th of March. अभी बज रहे हैं 2 और अभी पूरे दिन मैं सुबह से एडिट कर रही थी. सो आई डिड नॉट व्लॉग मच बट अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई शूट. तो मैंने सोचा लेट मी शो यू द बिहाइंड द सीन्स. ठीक है तो अभी मैंने अपने शूट के लिए पूरा प्रेप कर लिया है. दिस इज गोइंग टू बी द आउटफिट जो मैं पहनने वाली हूँ. एंड ये मैंने कुछ ज्वेलरी ऑप्शन निकाले हुए हैं. हियर आई हैव द मेकअप. यहाँ पे एक व्लॉग मेरा अपलोड हो रहा था सो दैट इज दैट. एंड हियर इज द सेटअप. काफी टाइम के बाद आई एम डूइंग लाइक अ फुल ब्लोन शूट विद माई DSLR रिंग लाइट एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि बहुत टाइम से मैं अपने ये व्लॉगिंग कैमरा में ही शूट कर ले रही थी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वरना अपने फोन में कर ले रही थी. बट बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे फुल फ्लेज्ड शूट करने वाली हूँ. एंड इतने व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा दैट माय स्किन वाज एक्टिंग सो नाइसली एंड मुझे बिल्कुल भी एक्नेज नहीं हो रहे थे. बट द वन डे दैट आई डिसाइड टू मेक अ ब्यूटी वीडियो अ मेकअप वीडियो आई गेट एन एक्ने. लाइक व्हाट ऑन अर्थ? क्यों क्यों भाई क्यों? बट ठीक है, अब देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट दैट. बट आज मैं अपने बाल पे हीट लगाने वाली हूँ एकदम जम के. आई एम गोइंग टू डू लाइक प्रॉपर स्ट्रेटनिंग एंड कर्ल्स बिकॉज मैं ईद का मेकअप लुक शूट कर रही हूँ. एंड आई ऑलवेज शूट लाइक वेरी सटल लुक्स बट इस बार आई एम प्लानिंग टू गो लाइक बोल्ड ग्लैम. सो लेट मी सी. मैंने बहुत टाइम से मेकअप नहीं किया, आई मेकअप स्पेसिफिकली. एंड आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास 2 घंटे है शूट रैप अप करने के लिए बिकॉज उसके बाद आई हैव टू गो टू द जिम ऑल्सो. तो सबसे पहले मैं अपने ट्रांजिशन के बिफोर शॉट्स ले लूँगी बिकॉज आई एम डूइंग लाइक अ ट्यूटोरियल ऑल्सो एंड ट्रांजिशन वीडियो ऑल्सो. एंड दिस इज द सॉन्ग दैट आई हैव डिसाइडेड ऑन. परफेक्ट ट्रांजिशन शॉट.
वी गॉट द बिफोर शॉट, तो आप लोगों ने देखा दिस इज वॉट इट टेक्स टू शूट वन वीडियो वेन यू आर लाइक अ वन मैन आर्मी. एंड अभी ये फुटेज देख के मुझे लग रहा है मुझे इस कैमरे में शूट करना चाहिए था बिकॉज द क्वालिटी इज बेटर. बट एनी वेज उसमें थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन काम ज़्यादा लगता है, बट ठीक है बिफोर शॉट हो गया है. एंड नाउ आई नीड टू गेट डन विद माई हेयर एंड मेकअप सो दैट आई कैन डू एन आफ्टर शॉट एंड मेकअप मैं शूट करूँगी द ट्यूटोरियल. सो अभी आई एम गोइंग टू डू माई हेयर फर्स्ट. And this is the mess जो एक शूट में क्रिएट होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड देन व्यूज नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है. ये व्लॉग जाने से पहले जो मैं अभी शूट कर रही हूँ ये ईद के लिए है, तो ये व्लॉग से पहले तो मैं डाल ही चुकी होंगी. आफ्टर दैट ओनली आई विल यू नो एड द बिहाइंड द सीन्स का व्लॉग. तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ईद वाला ट्रांजिशन या मेकअप लुक तो प्लीज जाके देखो एंड drop a comment, just few hearts would do. And yeah, प्रॉपर से बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ एंड कर्लर नहीं लगाऊंगी, स्ट्रेटनर से ही थोड़े से कर्ल्स डाल लूंगी. छोटे बालों के साथ इंडियन लुक आज पहली बार क्रिएट करने वाली हूँ एंड मैंने हमेशा ही बन किए मोस्टली इंडियन लुक्स के साथ. तो आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट सो दैट इज वाई आज मैं अपने बाल ओपन रखने वाली हूँ एंड हैंस आई विल यू नो गिव अ फ्यू कर्ल्स एंड उसके बाद मैं उसको ब्रश आउट कर दूंगी फॉर दैट नेचुरल बट अ लिटिल ग्लैम इफ दैट मेक्स एनी सेंस. इफ ही डैमेजेस केप्ट असाइड माय हेयर लुक गॉर्जियस व्हेन दे आर स्ट्रेट. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे स्ट्रेट हेयर सूट्स बेटर देन लाइक वेवी और कर्ली हेयर. This is what I came up with. Even नहीं लग रहा है दोनों साइड में. Like this side is like beautiful gorgeous curls for the Indian wear and this side is beautiful waves for the Goa beach. Like both of look pretty no doubt but they are not similar at all and that is what I जस्ट फाउंड आउट दैट आई एम स्ट्रगलिंग विथ. लाइक मुझे ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता था जब मेरे बाल लंबे थे बिकॉज उस टाइम पर मैंने ये चीज़ बहुत बार करी थी तो आई वॉज प्रिटी यूज टू इट. बट अभी मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कर्ल्स किए हैं स्ट्रेटनर से ऑन शॉर्ट हेयर. सो या दैट इज समथिंग आई नीड टू फिगर आउट. तो वो होते होते हो जाएगा. बट या नाउ दैट दैट इज डन अभी आई विल जस्ट स्टार्ट लाइक शूटिंग. आई एम गोइंग टू शूट द मेकअप ट्यूटोरियल फर्स्ट एंड ऑब्वियसली उसके बाद ही मैं अपना आफ्टर लुक शूट करूँगी. Oh my god, this eye makeup is giving. Like I am obsessed. Remember how I said video start karne matlab ye makeup start karne se pehle that I was shit scared. I meant it that I was shit scared because maine bahut time se makeup nahi kiya and this elaborate eye look ye to na bhagwan ne kab se nahi kiya hua hai. ओ माई गॉड, मतलब ये थोड़ा सा अनइवन है बट आई ट्राइड. ये अनइवन इसलिए हुआ बिकॉज मेरा जो ये था लिक्विड ग्लिटर आई शेडो थिंगी वो ड्राई हो चुका था तो आई हैड टू वर्क विद इट. बट आई ऑल्सो अप्लाइड फॉल्स लैशेज इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. दिस बेस इज नॉट गिविंग एट ऑल. आई डिड नॉट लाइक द बेस बट द आईज love it, love love it. मुझे जरा कॉमेंट्स में बताओ जरा कि कैसा लग रहा है ये आई लुक एंड शुड आई डू मोर सच आई लुक्स और नॉट. मैंने इसका ट्यूटोरियल भी फिल्म किया है वो आप लोगों को शॉर्ट्स पे देखने को मिल जाएगा. बट येस मैं बस बीच में यही आप लोगों को दिखाने आ गई थी बिकॉज ओ माई गॉड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस आई लुक. लविंग 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 इट. फटाफट से ये वाला भी कंप्लीट करती हूँ एंड आई नीड टू रैप अप द शूट इन अनदर 20-25 minutes. I don't have much time, so bye bye. A few moments later. Okay, I'm finally done with the shoot. I forgot to show you guys in the vlog what the entire look looked like. अभी तो मैंने ज्वेलरी और लैशेज हटा दिए हैं बट आई लव्ड हाउ माई आई मेकअप लुक. आई एम नॉट श्योर आप लोगों को उतना पसंद आया है कि नहीं बिकॉज ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन बेटर. बट मैंने बहुत टाइम के बाद किया. इनफैक्ट मैं इतने ज़्यादा क्रिएटिव लुक्स करती भी नहीं थी. आई यूज टू स्टिक टू माई सटल ग्लैम लुक्स
बट सिंस फॉरएवर आई वांटेड टू यू नो एक्सपेरिमेंट विद माय लुक्स एंड दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ. अभी तो ईद के लिए मैंने शूट किया था एंड द वीडियोस टर्नड आउट रियली गुड, लाइक आई लव्ड देम. अभी जब मैंने कैमरा में देखा तो अच्छे लग रहे थे. आई डोंट नो कि अभी वाइल एडिटिंग वो कैसे लगने वाले हैं. आई हैव क्लिक सम फोटोज ऑल्सो, लेट मी सी फोटोज से थोड़ा आइडिया. ओ माई गॉड लुक्स प्रिटी, लाइक ऑब्वियसली द मेकअप इज इन परफेक्ट. देर आर सम थिंग्स क्लियरली आई कैन सी कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, बट देन द लुक टर्न आउट रियली रियली गुड. ओ सो प्रिटी, बहुत अच्छा लग रहा है. बस थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा कि हाउ द वीडियो टर्नड आउट. द फोटोज आर लुकिंग सो प्रिटी, मुझे बहुत 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 पसंद आया, मैंने मज़ा ही आ गया. लास्ट ईयर आई थिंक मैंने कोई ईद का लुक नहीं किया था, बट येस दिस इज लुकिंग गुड. नाउ आई नीड टू गेट ऑफ दिस एंटायर मेकअप एंड उसके बाद प्रॉबेबली आई एम गोइंग टू गो टू द जिम. मतलब मेरा काम तो हो चुका है टाइम पे, बट आई नीड टू आस्क माई मॉम. मुझे अकेले अभी जाने नहीं हो रहा है, सो इफ़ शी वुड अकंपनी मी तो मैं जाऊँगी, अगर वो नहीं जा रही है तो फिर मैं नहीं जाऊँगी. बट या आई एम सो हैप्पी विद द आउटकम. सो आई वॉश्ड ऑफ द मेकअप एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे आप लोगों को बताना था, जिसके लिए मैं फटाक से कैमरा खोला है कि मैं फिर से भूल ना जाऊँ, इज दैट आई एम लविंग माई हेयर. ओ माई गॉड आई जस्ट फॉरगॉट व्हाट अ स्ट्रेटनर डज टू योर हेयर. एंड मैं अभी तो मैं नीचे से हल्के हल्के से कर्ल टाइप्स किए थे, सो अभी इतने नेचुरल वेव्स लग रहे हैं. ओ माई गॉड दे लुक सो प्रिटी ऑन शॉर्ट हेयर. मुझे लंबे वालों से ज़्यादा ये जो स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स हैं दे आर लुकिंग एब्सोल्यूटली बॉम ऑन माई शॉर्ट हेयर. आई लव इट, बट आई डोंट वॉन्ट टू लव इट दैट मच कि मैं आए दिन अपने बाल स्ट्रेट ही करती रह जाऊँ. सो बट या फॉर वंस इन अ वाइल्ड दे लुक बॉम. अभी मैं मास्क लगा रही हूँ बिकॉज माई स्किन हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट. आई डोंट नो वाई, आई रियली डोंट नो वाई, बट आई एम यूजिंग दिस क्वेंच का ब्रावोकाडो डीप क्लेंजिंग क्ले मास्क. तू नहीं जा रही? नहीं, उठ और निकल. नहीं आप जिम नहीं जाओगे तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी. नहीं पर आप एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी. नहीं मैं छोटी बच्ची हूँ, लोग कहेंगे पागल लड़की है कि अपनी मम्मी को लेके आई है मुझे जिम में छोड़ दो. नहीं 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 आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर साथ में जाएंगे. मैं जा रही हूँ, तेरी खराब हो जाएगी फिर. नहीं मैं वो कर रही हूँ, सफाई करती हूँ और मैं नीचे चली आती हूँ वॉक करने. मैं आपको, मैं घर पे नहीं बैठ रही. मैं अकेले जिम नहीं जाऊंगी. तेरे को कौन खाएगा वहाँ? मैं अकेले जिम नहीं. पर जब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे तो लोगों को फिर ऐसे ही लगेगा कि इसके. नहीं आप कैसे करोगी? नहीं नहीं आपके, नहीं आपको क्रैम्स हो जाएंगे, लेकिन वहाँ अगर आप बैठे रहोगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं आपको लेके आई हूँ. इतने दिन की छुट्टियाँ होंगी तेरी, पूरा गया ये भाग, अब एक महीने का फिर गया है समझ लेना. अरे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक महीने बाद चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. सही बात. मैगी पेल रावण मंगा फटाफट. या वैसे मैंने बहुत दिन से रामन नहीं खाया. नहीं तो आप मुझे रामन की याद में दिलाओ, मैं नहीं खा रही हूँ. लेटली आई हैव बीन गेटिंग वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द वे माई बॉडी लुक्स. मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ एंड मम्मी साथ में होती है तो मस्ती मस्ती में वर्कआउट हो जाता है. अकेले तो मैं वहाँ जाकर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, सो इट इज़ बेटर कि मैं ना ही जाऊँ. पहले जब मैं जिम जाती थी तो आई हैड अ पर्सनल ट्रेनर, तो वो मुझे अच्छे से वर्कआउट करा देता था. इवन देन मैं अपने भाई के बिना जिम नहीं जाती थी. इवन दो आई हैड अ पर्सनल ट्रेनर एंड ही यूज टू लुक आफ्टर मी आफ्टर माई वर्कआउट एंड येट आई नेवर वेंट विदाउट माई ब्रदर. आई एम अ लिटिल स्टूपिड डाइट वेज, बट या इट इज़ वॉट इट इज. तो अभी मैं फटाफट से मास्क लगा लेती हूँ. दिस इज़ अ रियली गुड मास्क, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हार्श बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है, जस्ट दैट रेगुलर पोर क्लेंजिंग मास्क. तो ये अच्छा मेरी स्किन, क्योंकि अभी समर्स आ रहे हैं, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली होने लग जाएगी एंड देन माई पोर्स गेट क्लॉग्ड. सो आई जस्ट अप्लाई दिस मास्क लाइक 2 to 3 times a week. मैंने आज 2 reel शूट करी है, दैट्स इट. एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ मेस that one shoot day makes. So अभी मुझे क्लीन अप करना है. आई washed off the mask and मैंने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. Anyways, that's not the point. The point is, do you know what this is? Like क्या ये आप लोगों के यहाँ पे भी बनता है? So this is चावल, like rice cooked in buttermilk. छाछ, छाछ में पकाते हैं इस चावल को and then we eat it with this नमक. This namak has lehsun in it and इसको बोलते हैं छसी एंड दिस इज कॉल्ड
नूण इन उत्तराखंड। तो अगर आप लोग उत्तराखंड से हो तो आपको पक्का पता होगा कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से पूछना, उनको पता होगा। एंड आस्क देम टू मेक इट फॉर यू। इट इज़ रियली रियली गुड। इट इज़ सुपर हेल्दी, सुपर लाइट वेट, सुपर गुड फॉर योर गट हेल्थ, बिकॉज ये प्रॉपर लाइक मट्ठे में मट्ठा लस्सी छाछ छाछ में पके हुए चावल हैं। सो वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एंड इट इज़ वेरी लाइट। जब आपको कुछ और खाने का मन नहीं है, यू कैन ईट दिस एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। आई लव इट। लाइक पहले बचपन में मम्मी ये बनाती थी, उनको बहुत पसंद था। बचपन में आई डोंट नो हाउ डम आई वॉज, आई डेंट लाइक एनी थिंग दैट आई लव राइट नाउ। मुझे कद्दू नहीं पसंद था, आई लव कद्दू नाउ। मुझे छसी नहीं पसंद था, आई लव छसी नाउ। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो अभी इट इज़ लाइक आई हैव बीन ईटिंग दिस फॉर 3 days, 2 times, लाइक लंच डिनर दोनों में ही मैं यही खा रही हूँ पिछले 3 दिनों से। एंड आई लव इट। मतलब मैं रोज़ खा सकती हूँ उसको 3 times। इट इज़ सो गुड एंड येट इट इज़ सुपर हेल्दी। सो या इट इज़ वेरी गुड। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ बनता है क्या, और अगर बनता है तो आप लोग उसको क्या बोलते हो। सफाई इज ऑल डन, बट लुक एट द वेदर। ओह माय फ्रिकिंग लॉर्ड। आई डोंट नो अगर आप लोग कैमरा में देख पा रहे हो, बट एकदम बारिश होने का जैसा मौसम हो रहा है। एंड ओ माय गॉड, अभी गर्मी होने लगी है कुछ टाइम से, बट अगर बारिश हो जाती है तो भी वोंट डू एनी गुड, बिकॉज बारिश का जैसा हल्का मौसम लग ही रहा है। एंड इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग ह्यूमिड। एंड या अब लग ही रहा है कि अभी फुल फॉर्म में गर्मी आई जाएंगी। होली भी हो गई, होली के बाद तो यूजुअली आई जाती है। बट या आई डिड द शूट, आई एम ऑल रैप्ड अप। एंड अब मुझे याद आया कि मैंने लेंस निकाले थे और मैं लेंस ही पहनना भूल गई। आई हैड लाइक अ ब्लू फ्लोटी ब्लू लेंस फ्रॉम लेंसकार्ट एक्वालेंस, एंड मैं भूल गई वो पहनना। एंड दिस पिम्पल थिंगी इज neither getting any bigger and healing, nor is it settling down on its own. I don't know how much time that will take. Yeah, abhi I'm just gonna edit and read a book. That's all the plan for today. And I look homeless. I don't know how people vlog. Like I follow these YouTubers, they look so pretty the entire day. Wo log vlog kar rahe hote hain and wow, they look so pretty. And I literally look homeless. Like abhi jab main shoot kar rahi thi, only that was the time jab main thodi si presentable lag rahi thi. But I just can't do. Main sochu koshish karti that ड्रेस अप लिटल, थोड़ा बहुत नो मेकअप मेकअप करूँ एंड बाल सेट करूँ। लाइक इवन राइट नाउ आई डोंट हैव एनी मेकअप ऑफ कोर्स, बट माई हेयर इज लुकिंग वेरी प्रिटी। बट आई जस्ट कांट लेट देम डाउन एंड स्पीक फॉर बहुत लंबा टाइम। सो आई जस्ट विल टाई इट अप इन अ बन। सो या आई गेस दैट्स जस्ट मी। एंड आई एम सुपर सुपर टायर्ड नाउ।